तो यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है हम लोगों के बीच में भाई मोबाइल को लेकर। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो शायद इस कैटेगरी के नहीं हैं। अबे कितनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओजी टीवी। और आज हम जाने वाले हैं जिम एक बार फिर। और अभी टाइम हो रहा है 7:25 और यहाँ पे हमारे पेड़ देख सकते हैं आप। पेड़ हमारे भाई हमारे जो अब्बू हैं उनको बहुत पसंद है गार्डनिंग वगैरह और मतलब केयर करना इनकी। और मेरी मम्मी तो बहुत पॉजिटिव है पेड़ों को लेके कि अगर इसमें से कुछ भी मैंने इधर छू लिया या तोड़ लिया कुछ भी तो वो तो भाई मतलब डांटते बहुत है यार इनको पेड़ों को लेके। A few inches later हम लोग जिम पहुँच चुके हैं और आज मैं भाई गाड़ी भी लेके आया हूँ यार। कितनी खुशखबरी की बात है ना। सो जिम चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमारा जिम होता हुआ और 2 घंटे का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं कॉफ़ी ऑफी नहीं भी किया था तो अच्छे से एक्सरसाइज एनर्जी नहीं बचती है बट हाँ अच्छा है वर्कआउट रहा आज। तो लेट्स गो। Two hours later. So guys, मैं आया था अभी कॉलेज और यहाँ पे बहुत पीस हो रहा है एकदम जैसे मैं आपको पहले बताया था। So यहाँ पे माहौल देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे भाई। मौसम कितना सही हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रेलवे लाइन है पास ही में। 15 minutes later. देखो तुम्हारे नाम पे चैनल बना दिया पूरा। लोग तुम्हें देखते हैं तुम्हें नाम जानते हैं पता है जानते हैं। खाना खाया? हाँ नहीं खाया। तुम्हारी फैमिली क्या है? पूरी फैमिली के बिना आ गई तुम। ये मेरे लोअर पे सो रही हो। हाँ One hour later. This vlog going to be a family vlog जहाँ पे हम अपने मामू के लड़के को दिखाएंगे। और यहाँ पे भाई कोई भी फ्लैट नहीं होगा क्योंकि बहुत हैंडसम है हमारे भाई साहब ताबिज भाई। यस ये सो हम लोग आए हुए हैं नहर पे जो कि है ओयल में। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे पुल पड़ते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है फील आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे भाई साहब हमारे बड़े भाई। A few inches later. So, यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है हम लोगों के बीच में भाई मोबाइल को लेके। और इन्होंने सैमसंग ले रखा है मोबाइल ये वाला देखिए। ये भाई भाई सैमसंग के अच्छे मोबाइल होते हैं यार मेरे को पता है यार। और यहाँ पे भागते हुए क्या हो गया? हम फेंकने जा रहे हैं फिर इसको हम भाई क्यों दे अपना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी। भाई मानता हूँ यार सैमसंग बढ़िया क्वालिटी देता है बट लेकिन फिल्टर नहीं होते। पर फिल्टर नहीं होता है यार उसमें अपनी औकात दिख जाती है। उसमें औकात दिख जाती है बंदे की ना तभी वो सैमसंग की तरफ नहीं भागता है। बाकी आपका क्या कहना है? ताबिज भाई को ओरिजिनल चीज़ें पसंद है इसीलिए हम सैमसंग खरीदते हैं भाई। ठीक है यार हम रियलमी वाले हैं हम लोग चाइनीज़ बंदे हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई। गरीब बंदे भाई चाइनीज़ ही खरीदते हैं। यहाँ पे हम और विशाल और हिमांशु जा रहे हैं कहीं सफर पे जहाँ के आप लोग को नहीं दिखा सकता मैं अभी रास्ते में। और भाई यहाँ पे सिद्धू आते हुए सिद्धू भाई साहब उम्मीद लेके आए हुए हमारे इनको काम सौंपा गया था। One hour later. लिया है गाड़ी भाई? अबे कितनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी यार। 1, 2, 3, 4 अपनी है कि दूसरों की है? अपनी है। सो यहाँ पे इन लोग को छोड़े जा रहे हैं हम लोग बस स्टॉप। चलो चलो ठीक विशाल भाई। बाय बाय बाय। 1 hour later. हो गया भैया ठीक है।
सो गाइस हम लोग आए थे कुलदीप भाई की दुकान पे, जो कि हमको गिफ्ट लेने थे और हम लोगों ने गिफ्ट ले लिए हैं और पैकिंग भी यहाँ पे आराम से हो जाती है। सो कुलदीप भाई हमारे पुराने मित्र हैं। सो कुलदीप भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स जो यहाँ पे हैं, उनको डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। आप जैसे मेरे लिए आज भाई, वैसे ये सब मेरे लिए दोस्त ही और सबको भाई मेरे, बस ये बता देना कि मैं भाई YouTube पे वीडियो देख के आया हूँ, बस ऐसे बता देना, मेरा नाम भी मान लेना। ओके 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 ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। इनकी वजह से बहुत परफ्यूम वर्फ्यूम ले रखी है मैंने और काफी सही रेट पे भाई मिल जाता है, चाहे फॉग हो चाहे वो एक्स हो, कोई भी परफ्यूम वगैरह हो, उसमें सब पे सही रेट पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइस ओयल में नया खुला था मुरादाबादी और हैदराबादी बिरयानी करके, तो मैं वहाँ पे गया था और मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। मैंने अपने दोस्तों से कई बार बोला है कि यार देखते ओयल में सब कुछ हो गया, बट एक सही से बिरयानी वाला नहीं है कोई मुरादाबादी या हैदराबादी बिरयानी हो। सो उस हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मैं वहाँ पे गया, बट यार मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को बिल्कुल लगा यार कुछ क्वालिटी में इम्प्रूव होगा, बट उन्होंने जब निकाल के दिया तो मेरे को फील हुआ कि यार मैं गलत जगह बैठ गया वहाँ के, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग टाइप का था। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हाँ तो मतलब यही था यार, मतलब सो मैं इसकी लोकेशन भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता इसकी कोई ज़रूरत है। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो शायद इस कैटेगरी के नहीं हैं, आई थिंक सो। टू आवर्स लेटर। सो कहते भाई हम खड़े हैं बालकनी में अपने और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कैसा लगा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है मेरे को कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो मिलते हैं किसी और व्लॉग में और एक फील के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अब छोड़ो यार, गुड नाइट, गुड नाइट रखूँगा आज, गुड नाइट।